नमस्कार, आज हम बात करेंगे कपी कच्छू एक आयुर्वेद औषध के बारे में, जिसके रोम शरीर पर लगने पर खुजली उत्पन्न करते हैं। खुजली इतनी होती है कि खुजली करते करते खून निकल जाता है। कोई कमजोर दिल का व्यक्ति हो तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। मॉडर्न में इसे विक्यूना प्यूरिटा नाम से जाना जाता है, जो कि मैनेजमेंट ऑफ मेल फर्टिलिटी और एंफोराइसी के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रमुख क्रम इसका वृष्य होता है, फैमिली लेगुमिनेसी, लैटिनम विक्यूना प्यूरिटा। वृष्य होता है जो कि स्पर्म की क्वांटिटी को इंक्रीज करे, और वाजीकरण होता है जो स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करे। वृष्य को बैल से कंपेयर किया गया है और वाजीकरण को अश्व से कंपेयर किया गया है। सिनोनिम्स की बात करें तो आत्मगुप्ता रोमो से स्वयं सुरक्षित, मरकटी वानर के सदृश रोमस, कंडूरा कंडू उत्पन्न करने वाली, शुक शिम्बी शुक युक्त शिम्बी और केवांच। इसके स्वरूप की बात करें तो स्वरूप बहुवर्षायु लता सेम के सदृश होती है। पत्तर त्रिपत्रक 3 से 6 इंच लंबे लटवाकर, पुष्प नीले या बैंगनी रंग के, मंजरियों में शिम्बी 2 से 4 इंच लंबी, जिसके दोनों सिरे कुछ मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। इसके पत्तर त्रिपत्रक हैं, बहुवर्षायु लता होती है सेम के सदृश। इसको मेनली इचिंग प्लांट कहते हैं, वेलवेट बीन नाम से भी ये जाना जाता है। इसके जो पत्रक होते हैं त्रिपत्रक, जैसे कि आप देख चुके हैं। अगर इसके पुष्प की बात करें, पुष्प श्वेत पर्पल रंग के मंजरियों में पाए जाते हैं। अगर आगे देखें हम, इसकी फली को बहुत ही सावधानी पूर्वक तोड़ा जाता है, ताकि कोई भी रोमर शरीर पर ना लगे, खुजली उत्पन्न ना हो। शरीर को हाथ को किसी कपड़े से ढककर या कोई ग्लव्स पहनकर बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे तोड़ा जाता है, अन्यथा ये इतनी खुजली करते हैं कि हमें सहन नहीं होती, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक उस शुक्शिम्बी की वाँच होती है इसकी, जैसे कि आप देखें सिराएं मुड़ी हुई होती हैं इसकी। पत्रक त्रिपत्रक होते हैं, वाइट बीज होते हैं, पर्पल रंग के फूल। मेनली ये उष्ण प्रदेश में पाई जाती है। भेद हरित और जंगली दो टाइप की होती है। हरित कम खुजली वाली होती है और जंगली खुजली ज़्यादा होती है। अगर हम इसके रस पंचक की बात करें तो गुण गुरु स्निग्ध, रस मधुर तिक्त, विपाक मधुर वीर्य उष्ण होता है। इंग्लिश नेम काउहेज, केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर रेरिन, डोज 3 से 6 ग्राम। इसका शोधन करके ही प्रयोग किया जाता है। शोधन के लिए बीज लेंगे और 400 ग्राम दूध में उबाल लेंगे। जब गाय का दूध आधा रह जाता है तो उसे उतारकर, छिलका उतारकर उसे ठंडा कर लेंगे। दूध को किसी गड्ढे में फेंक दें ताकि वो कोई पशु पक्षी उसे सेवन ना कर सके। आमिक प्रयोग की बात करें तो यह त्रिदोष शामक। शिरशूल में पत्तों को पीसकर सिर पर लेप लगाया जाता है। 5 ग्राम चून को दूध के साथ लेने से उत्तम रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 से 2 ग्राम चून को अगर हम शहद में मिलाकर चाटेंगे तो उसे श्वास रोग खत्म हो जाता है। घाव पर पत्तों की चटनी लगाई जाती है। गोखरू और कोंच के बीज को अगर हम इक्वल अमाउंट में रोज सेवन करेंगे दूध के साथ, तो वाजीकरण में प्रयोग किया जाता है, मूत्र विकारों में 1 से 2 ग्राम सादा पानी के साथ। प्रयोग वातज विकारों में प्रयोग होता है, मूल और बीज चूर्ण नाड़ी और पल्ले में, मूल का क्वाद मूत्रकृच में, बीज कृष्णा में उपयोगी होती है। कृमि को मारने के लिए 125 मिलीग्राम फल रोम को गुड़ मधु या मक्खन में मिलाकर उसके बाद विरेचन करा देते हैं। दोष क्रम से यह वात शाम और कफ पित्त को बढ़ाने वाला, फल रोम कृमि घन होती है, मूत्र व संस्थान में मूल इसकी मूत्रल होती है, बीज वृष्य आर्तव जनन योनि संकोचक होता है, मूल और बीज बल्ले होती हैं, बल्ले और रिंगन का कार्य करते हैं। अगर किसी कारणवश इसकी रोमर शरीर पर लग जाए तो इतनी खुजली होती है, उसे खत्म करने के लिए गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए, उसे थोड़ी देर मसलते रहना चाहिए और उसके बाद सादे पानी से धो देना चाहिए, जिससे इसकी खुजली खत्म हो जाती है। अगर इनकी प्रयोजन की बात करें तो प्रयोजन में बीज रोम मूल विशेष प्रयोग होती है। विशिष्ट योग में वानरी गुटी का माश बलाती पाचन। मेनली ये रसायन की तरह काम करती है, प्रमोट करती है ग्रोथ को, व्रिंगन का कार्य करती है। टेस्टिस में पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाती है। एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। मनोबल्ले मेध्य रसायन की तरह काम करती है। रीजनरेटिव धातु वर्धक, धातु क्षय की वजह से टिश्यू की डेथ हो चुकी है उसमें ये मेनली रीजनरेटिव पावर को बढ़ाती है। एनाबोलिक व्रिंगन का कार्य करती है, बॉडी टिश्यू के निर्माण में
मदद करती है, मसल और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बॉडी बिल्डर इसका मेनली यूज़ करते हैं। एंड्रोजेनिक होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं। न्यूरोटॉपिक एल्डोपा डोपामिन कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। इसका मेनली प्रयोग पार्किंसन डिसीज यानी कि कम पात में किया जाता है। लेवरडोपा जो म्यूकिना प्यूरेट्स में पाया जाता है वो मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन है इस डिसीज़ में। इट इज़ अ नेचुरल केमिकल डैट पास इनटू आवर ब्रेन एंड कन्वर्टेड इनटू डोपामिन एज अ नेचुरल एक्ट एज अ नेचुरल रेमेडी फॉर पार्किंसन डिसीज। अब हम आगे इस पेशेंट को एग्जामिन करेंगे जो कि पार्किंसन डिसीज यानी कि कम पात का रोगी है। इसे हमने रेगुलर इंटरवल पर लेवरडोपा की अमाउंट घटते बढ़ते क्रम में दी और हमें डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, जैसे कि इसकी कंपन खत्म हुई, इसका वॉकिंग पोस्चर ठीक हुआ। तो इस प्रकार म्यूकिना प्यूरेट इज़ वेरी इफेक्टिव इन पार्किंसन डिसीज़। थैंक यू।